आजकल लोगों की एवरेज आई मात्र जो 50 से 60 साल रह गई है, लेकिन पुराने पीढ़ी के जो लोग थे उनकी एवरेज आई 100 साल 120 साल तक जीते थे। आजकल 50 से 60 साल बस कहानी खत्म। और ऐसा भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान जल्दी बुला लेता है, और जो लोग बुरे होते हैं, पापी होते हैं, दुष्कर्मी होते हैं, अधर्मी होते हैं, उन लोगों को भगवान जल्दी बुलाता ही नहीं है, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी खोज लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने अगल बगल के लोग देखेंगे, जो लोगों का दिमाग स्क्रूप ढीला होता है, पागल होते हैं, उनकी जल्दी मृत्यु नहीं होती है, उनको बुढ़ापे तक यहाँ पर इस धरती पर धरती का बोझ बने रहते हैं, क्योंकि उनका इस धरती पर कोई काम नहीं रहता, उसके बावजूद भी वे लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ऐसा भी सुने होंगे कि अरे वो फला नाम का पापी आदमी इतना दुष्कर्मी हुआ, अभी तक जीवित है, और इतना अच्छा वो आदमी था जो हमेशा दूसरों का भला करता था पूरी जिंदगी में, कभी वो किसी दूसरे का अन्याय नहीं किया, लेकिन भगवान ने उसको इतना जल्दी बुला लिया। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, और जो लोग पापी लोग होते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जो दूसरों को हमेशा अहित के बारे में सोचते हैं, अहित करते हैं, उनको भगवान जल्दी नहीं अपने दरबार में बुलाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम इसका उत्तर जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा लें और आल पर जाकर के क्लिक कर दें। ये गीता में कहा गया है कि सत्य है, जन्म जो लेते हैं उनको एक दिन मर के जाना है। जन्म मरण के बंधन में हर आदमी बंधा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसको मर करके जाना है, और इस जन्म से पहले सब कुछ तय होता है कि कल क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तुम्हारा विवाह किससे होगा, तुम्हारे बाल बच्चे कितने होंगे, क्या नाम होगा, सब ऑलरेडी तय रहता है। और उसके साथ साथ आपकी मृत्यु भी तय रहती है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, किस तरीके से होगी। और यही सत्य है कि जो आदमी एक बार यहाँ पर इस धरती पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसको एक दिन जाना ही है। यदि हम उस पर शोक करते हैं तो हमारी मूर्खता है। जीवन या मृत्यु ये इंसान के हाथों में नहीं होता है, जीवन या मृत्यु जो भगवान के हाथों में होता है। हम तो खिलौने हैं, हम तो वो खिलौने हैं कि जिसकी चाबी जो भगवान के हाथ में होती है, हम तो वो पतंग है जिसकी डोर जो भगवान के हाथ में होती है, जिधर चाहे उधर मोड़ता है, जिधर चाहे उधर चलाता है। हम अपनी इच्छाओं से जरूर काम करते हैं, लेकिन मेन चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है। गीता में कहा गया है कि हर अच्छे लोगों को भगवान धरती पर मृत्यु लोक में किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए भेजता है, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है इस मृत्यु लोक पर, इस धरती लोक पर आकर के, जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से भगवान ने यहाँ पर इस धरती लोक पर भेजा है, जैसे ही उनका मकसद उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, फिर से उनको भगवान उतना जल्दी बुला लेता है। तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा इंसान था, उसको भगवान ने बुला लिया, लेकिन पापी ज़्यादा दिनों तक जीवित रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? गीता में कहा गया है कि इंसान मरने के बाद खाली हाथ जाता है, और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन नहीं, खाली हाथ आता जरूर है लेकिन खाली जाता नहीं है। वह मरने के बाद अपने साथ में तीन चीजें ले जाता है, पहला कर्म, दूसरा स्मृति, और तीसरा जागृति। अब कभी मत कहना कि इंसान मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है, वो खाली जाता है, ऐसा कभी मत कहना। हमारा कोई परिजन संबंधी बहुत अच्छा होता है, लेकिन भगवान उसे बहुत जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन जो लोग पापी होते हैं, जो लोग अधर्मी होते हैं, भगवान ने उनकी बागडोर नहीं खींची। आखिर ऐसा क्यों? आपने अक्सर जरूर सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि जब किसी अप्सरा को या किसी देवता को साप देते थे तो उनको मृत्यु लोक में एक निश्चित समय के लिए उनको भेजा जाता था कि तुम जाओ मृत्यु लोक पर अपना साप जो भुगत कराओ, और देवता और अप्सराएं गिड़गिड़ाते थे, माफी मांगते थे कि मेरे को मृत्यु लोक में मत भेजिए। जब सजा उनका पूरा हो जाता था तो इस मृत्यु लोक से फिर से वो जो है चले जाते थे और विदा हो जाते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे।
ये हमारी जो धरती है ये कर्म भूमि है। यहाँ पर जो आदमी जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से जन्म होता है। जब मेरा यहाँ जन्म होता है तो यहाँ पर इंद्रियों के द्वारा मोहमाया माता पिता लोगों के जाल में फंस जाते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं सब कुछ अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर रहने वाले के जाल में फंस जाते हैं और अच्छा लगने लगता है और हम छोड़ करके जाना भी नहीं चाहते, लेकिन जब कोई साथी चला जाता है, अपना कोई परिजन चला जाता है, अपना कोई संबंधी चला जाता है तो बड़ा दुख होता है और लोग रोते भी हैं। लेकिन हमारे और आपके हिसाब में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब इंसान की मृत्यु होती है तो वह जो धर्मराज के दरबार में जाता है, वह यमराज के दरबार में जाता है, वह आपने जितने भी कर्म किए उसका सब लेखा जोखा एक एक कर्म आपका लिख करके रखा है। जब वहां पर जाते हैं तो वहां पर आपने कितने कर्म किए, न्याय किए हैं, कितने कितने अन्याय किए हैं, न्याय अन्याय का फैसला वहां पर करता है। अगर किसी जीवात्मा ने मृत लोक में आकर के बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत सताया है, दूसरों को बहुत लूटा है, उसे फिर से मृत लोक में भेज दिया जाता है ताकि जाओ तुमने बुरे कर्म किए, फिर से मृत लोक में जाओ भुगतो। लेकिन अगर कोई जीवात्मा इस मृत लोक में आकर के अच्छे कर्म किए हैं तो फिर से जब यमराज के दरबार में जाता है तो थोड़ा बहुत अगर गलतियां किया रहता है, बाकी अच्छे कर्म किया रहता है, तो उसे फिर से दोबारा मृत्यु लोक में यमराज के द्वारा भेजा जाता है और उन्हीं लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है क्योंकि उनका उद्देश्य जितना उम्र का रहता है उतना पूरा हो जाता है। लेकिन जो लोग पापी अधर्मी रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर झेलना रहता है, वहां पर भोगना रहता है क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छे लोग ही कम उम्र में मर जाते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग ज्यादा उम्र तक भी जीवित रहते हैं। लेकिन इसका मकसद तो नहीं है, अच्छी उम्र अच्छे लोग यदि ज्यादा उम्र तक जीवित रह रहे हैं इसका मकसद ये है कि भगवान ने उनको जिस काम के लिए भेजा था अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। जब वे काम अपना पूरा कर लेंगे, उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो भगवान उन्हें जल्दी से अपने दरबार में बुला लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य तन इस मृत्यु लोक में आया 84 लाख योनियों में लोग भटकते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते हैं, इस मृत्यु लोक में 84 लाख बार जन्म लेते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म कर करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनकी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उनको बार बार इस योनि से उस योनि में, उस योनि से इस योनि में केवल जो है ट्रांसफर होते रहते हैं लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती रहती है। क्या बार बार इस मृत्यु लोक में आना ही अच्छा है? इस मृत्यु लोक में जब यमराज के दरबार में जाते हैं तो कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती वहां से भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग मोहमाया में फंस जाते हैं। जो लोग अच्छे के लोग होते हैं क्या यहाँ पर आने के बाद जाना नहीं चाहते? लेकिन वास्तविकता उनको पता नहीं है, उनका वास्तविक लक्ष्य यही है कि उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है, उनको परम धाम की प्राप्ति करना है, उनसे परमात्मा का मिलन करना है, परमात्मा में जाके समा जाना है, परम शांति चाहिए। लेकिन जो लोग अच्छे कर्म किए रहते हैं वो लोग यहाँ से भी यदि अच्छे कर्म कर लेते हैं, बुरा कर्म नहीं किए रहते हैं तो भगवान जो अपने में विलीन कर लेता है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस कारण से ये अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान जल्दी बुला लेता है और जो लोग पापी होते हैं अधर्मी होते हैं वे लोग इस धरती लोक पर इस मृत्यु लोक पर लंबे समय तक अपने सजा भुगतने के लिए तैयार रहते हैं यदि बार बार उनको योनियों में भटकना पड़ता है जब तक वे अच्छे कर्म नहीं करते हैं। इस कारण से आप अपना मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते कि नहीं चाहते हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें कि ताकि जो भी लोग बुरे कर्म करते हैं, जो भी लोग कुकर्मी होते हैं, जो भी लोग पापी होते हैं, जो लूटपाट करते हैं, वे लोग अपने कर्म अच्छे करें ताकि उनको भगवान से मिलन हो सके, उनका परमात्मा से मिलन हो सके, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, यहाँ की मोहमाया नगरी से बिल्कुल बधे न रहे, मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में खुल करके शेयर कर दीजिएगा।